जनसिकी, मैं बहुत खुश हूँ आज। हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं और सदैव धन्यवाद आपको। हमारे सदस्य ही आज ज्वाइन हुए हैं। मैं पास्टर जॉन हूँ। हालांकि हम आमने सामने होकर नहीं मिले हैं, फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसे मिलते हैं और एक दूसरे के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें। मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ हम सब यहाँ है, इकट्ठे हैं, और हम सबके पास अपना अपना लक्ष्य है जो कि नया यरूशलेम है। और हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमारे चरवाहे से प्रेम करते हैं। कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाने वाली है। जो चर्च की मीटिंग्स है वो भी इस तरह से बदल जाएगी। लगभग सारा काम जो है वो ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन हम पहले से ही यूट्यूब के माध्यम से शामिल होते हैं, इसीलिए हम बहुत अच्छे से परिचित है इससे। ऑनलाइन मीटिंग इस तरह की हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि आमने सामने होकर हम नहीं मिले हैं, चाहे आप अलग अलग स्थान में क्यों ना हो, अलाहाबाद में, अलग अलग जगह पर, मगर फिर भी एक जगह पर हम इस तरह से एकत्र है। जो भी है, हम आमने सामने भी आपसे मिलना चाहते हैं। आज का जो संदेश है वो धन्य वचन के ऊपर है, जो धन्य वचन आशीष है। सबसे पहले बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय 1 से 12 पद पढ़ेंगे। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्यों मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। ये संदेश असल में सीनियर पास्टर ने प्रचार किया था हमारे लिए। हालांकि बहुत सारे पास्टर्स धन्य वचन के ऊपर प्रचार कर चुके हैं, लेकिन सीनियर पास्टर का उसमें सचमुच पिता परमेश्वर का हृदय पा जाता है। हम पवित्रीकरण के लिए प्रगतिशील है, हम नई यरूशलेम जाना चाहते हैं, और नई यरूशलेम जाने के लिए हमें आत्मिक उन्नति करनी है, उन पापों को दूर करना है जो हम अपनी देह से करते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो पाप में स्वभाव है हम उसको दूर करते हैं। और जब हम अपने हृदय से पापों को दूर करते हैं तो हमें उसमें परमेश्वर का वचन बोना है, जिसका मतलब है हमें जो है उसको ज्योति में लाना है, उसमें ज्योति में उसको लाना है। जितना ज्यादा हम पापों को दूर कर पाएंगे हम उतना ही आत्मिक प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। पिछली बार हमने शरीर के बारे में सीखा था, जो शरीर है जितना ज्यादा हम उसको दूर करेंगे उतना ही ज्यादा अपने हृदय में आत्मिक प्रेम हम उन्नत कर पाएंगे। और जब प्रेम उन्नति कर जाता है तो हम पवित्र आत्मा के 9 फलों को प्राप्त कर पाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के 9 फलों को, परिपक्व 9 फलों को उत्पन्न कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम आत्मा में आ चुके हैं, यानी कि चौथे स्तर पर हम आ चुके हैं। और इसके बाद है धन्य वचन। अगर हम इन धन्य वचन, इन आशीषों के फलों को उत्पन्न कर चुके हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण आत्मा में आ चुके हैं। हाँ, हम हमारे पिता परमेश्वर के सदृश बनना चाहते हैं, और इस संदेश के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर का हृदय, उनका चरित्र किस प्रकार का है। इसलिए पवित्र आत्मा के 9 फल भलाई, पवित्र आत्मा के 9 फल आत्मिक प्रेम, भलाई, और उसके बाद है धन्य वचन। धन्य वचन मतलब ये आशीषें क्या है? आशीषें भी हम कह सकते हैं एक आत्मिक आशीष होती है और एक शारीरिक आशीष होती है। आशीष क्या होती है? जो हमें चाहिए, सबसे पहले हमें उद्धार की आशीष चाहिए, यानी कि हमें उद्धार प्राप्त करना है। अनुग्रह प्राप्त करने की भी आशीष होती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं।
और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, वो असल में वास्तविक आत्मिक आशीष है। और फिर दूसरी चीजें भी हमें दी जाती हैं। हालांकि धनी होना और स्वस्थ रहना ये भी आशीष है, हालांकि ये आशीषें शारीरिक आशीष है, लेकिन ये भी आत्मा से संबंध रखती है। यद्यपि हमारा स्वस्थ या हमारी संपत्ति ये शरीर से संबंध रखती है जो खत्म होने वाली होगी, मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती है कि हमें उस तरह की आशीषें नहीं पानी है, कि हमें स्वस्थ नहीं रहना है या संपन्न नहीं होना है या खुश नहीं रहना है, बल्कि वो भी इस संसार में हमें उसकी भी आशीष प्राप्त करनी है। और हम पिता परमेश्वर के संतान, हमें भी खुश होना है, स्वस्थ रहना है, संपन्न होना है। अगर हम स्वस्थ का इस्तेमाल अगर हम परमेश्वर के लिए करें तो ये आत्मिक है, आत्मिक स्वस्थ, आत्मिक आशीष है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल पाप करने के लिए करें, अपने स्वस्थ का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करें, तो ये शरीर से संबंध रखती है। इसलिए यद्यपि आपके पास इस संसार में सब कुछ क्यों ना हो, मगर यदि आप उद्धार प्राप्त ना कर पाए तो वो आशीष नहीं है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, उद्धार प्राप्त करना है, और उसके बाद परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीष देते हैं वो सच्ची आशीष है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा उद्धार की आशीष के ऊपर। इसलिए हम सब जो यहाँ इस मीटिंग में शामिल है, हमने यीशु मसीह के बलिदान लहू के द्वारा उद्धार पाया हुआ है। इसलिए ये महान आशीष, ये पहली आशीष पहले से ही हमारे जीवन में आ चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप आशीषित हैं, मैं भी आशीषित हूं। हम एक दूसरे से कह सकते हैं आप आशीषित जन हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार प्राप्त कर लिया है हमने ना। इस संसार में सब चीजों का हम आनंद ले भी लें, मगर अंत में अगर नरक में गिर जाएं तो उसका क्या फायदा है हमारे लिए? मगर यहां पर लिखा है, धन्य है वो जो मन में दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर मन में दीन का मतलब क्या है? दीन मतलब हम इसको हिंदी में गरीब बोल देते हैं। मन में गरीब होने का मतलब क्या है? ये कोई पैसों की गरीबी नहीं है। इसीलिए आप ये ना सोचे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है लेकिन मैं आशीषित हूँ, है ना। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष दी है, मैंने उधार पा लिया है, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर आत्मा में दीन, यहाँ जो मन में दीन लिखा है, आत्मा में दीन, आत्मा में गरीब, यहाँ पर जो इंग्लिश में पुअर है, हिंदी में इसको गरीब ले लेते हैं हम। आत्मा में गरीब होने का मतलब क्या है? इसका जो दूसरा शब्द है, विपरीत शब्द है, आत्मा में अमीर, जिनके हृदय संसारिक चीजों से भरे हुए है। पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे घर खरीदा जाए, कैसे कार खरीदी जाए, उनके जो मन है केवल इन्हीं चीजों पर लगे रहते हैं। जो केवल जो सिनेमा एक्टर्स होते हैं उनकी कहानियों से भरे पड़े हैं, या फिर गेम जिनके अंदर खेल गेम खेलने की जिनको भनक लगी रहती है, या फिर किसी प्रकार के खेलें इस प्रकार से, या फिर शादी में हमारी रुचि, परिवार में हमारी रुचि, हमारी रुचि इन्हीं चीजों पर लगी रहती है। इसीलिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती है पिता परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए। इसीलिए यहाँ पर अमीर होने का मतलब है कि उनके हृदय संसारिक चीजों से बहुत अधिक भर गए हैं, मतलब संसारिक चीजों से अमीर हो गए हैं। इसीलिए अगर आप अमीर लोगों से उद्धार की बात करते हैं वो सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि आप उन्हें चंगाइयों के बारे में बताते हैं मगर वो सुनते नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ है इसलिए वो अमीर है, इसलिए वो गवाहियां सुनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अगर आप अमीर हैं तो आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाएंगे, है ना। वो है लुका 17 अध्याय में, है ना। और इस लुका 17 अध्याय में हम उस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक धनी व्यक्ति और एक भिखारी जो लाजर था। जो अमीर व्यक्ति था, वो जो धनी व्यक्ति था, हर दिन अपने जीवन का आनंद लेता था, हर दिन कोई ना कोई भोज करता था,
और उस धनी व्यक्ति के घर के सामने उसके द्वार पर हर दिन एक व्यक्ति जो बहुत गरीब, जो भिखारी है, जिसका नाम लाजर है, वो बैठा रहता था। वो बीमार भी था, इसलिए वो चल फिर नहीं सकता था, और कुत्ते भी उसके जख्मों को चाटते थे। और जब वो उन दोनों की मृत्यु हो गई, जो अधनी व्यक्ति था वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, मगर जो लाजर था वो विश्वासी था। लेकिन हुआ क्या, जो धनी व्यक्ति था वो नरक में गिर गया, और वहां पर वो एक पानी की बूंद चाहता था, और वो कहता है कि लाजर को कह दे कि मुझे उंगली, अपनी उंगली पानी में डुबो करके वो मुझे पानी दे दे। मगर स्वर्ग और नरक को बहुत दूर है एक दूसरे से, उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से वहां नहीं मिल सकते। इसीलिए एक धनी व्यक्ति है यहाँ पर, एक तो धनी व्यक्ति है और दूसरा एक भिखारी है, इन दोनों में से कौन था अधिक धनी, कौन अधिक आशीषित था? जिसने उद्धार पाया वो भिखारी, वो कहीं ज्यादा आशीषित था। और इससे भी बड़ी आशीष क्या है कि अगर अमीर व्यक्ति भी उद्धार प्राप्त कर सके तो वो और भी बड़ी आशीष है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। असल में हम सब उस धनी व्यक्ति के समान है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप सहमत हैं मेरी बात से? मगर पूरे सृष्टि की सामर्थ्य हमें उद्धार दिला सकती है। और यद्यपि आपने उद्धार पा भी लिया, लेकिन अगर हम फिलिप्पियों 3:12 में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रेरित पौलुस भी कहता है कि मैंने भी अपना उद्धार अभी पूरा नहीं किया है। हालांकि उसने बहुत सा काम किया, परमेश्वर के लिए बहुत से काम किए, मगर वो कहता है कि मैंने अभी भी अपना उद्धार पूरा नहीं किया है। इसीलिए गलातियों 3:3 भी कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? इसका मतलब है शरीर की रीति पर अंत करोगे ना, कि आत्मा की रीति से तो आरंभ करके क्या आप शरीर की रीति पर समाप्त करोगे, अंत करोगे? इसके अलावा फिलिप्पियों 2:12 हम पढ़ेंगे, लिखा है, सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसलिए हमें अपने उद्धार का काम डरते और कांपते हुए पूरा करना है। इसलिए हमारे जीवन के दर्शक, हाँ, हमने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा लिया है, परंतु मगर हम कैसे अपने उद्धार के काम को लगातार करते रह सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है? 1 यूहन्ना 2:15-16 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वो लोग जिनके अंदर ये चीजें हैं वो अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। वो जो आत्मा में धनी है, उनके पास जो चीजें होती है वो क्या होती है? उनके पास होती है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसीलिए मसीही होने के नाते, हम लोग जो मसीही है, हमें क्या ध्यान रखना है? हमें हमेशा इन तीन चीजों से सावधान रहना है। हमने भी यीशु को तब ग्रहण किया जब हम आत्मा में गरीब थे, जब हम बीमार थे, अस्पताल में थे, कोई आशा नहीं थी, मगर हॉस्पिटल भी जाना चाहता था, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। उस वक्त हम आत्मा में बहुत गरीब थे, और हम जीसीएन टीवी के बारे में जान पाए और हम यीशु मसीह से मिले, और कुछ लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट था, अंधकार से पीड़ित थे, कोई मदद, कोई सहयोग नहीं था। उस वक्त हम आत्मा में बहुत गरीब थे, और हमने यीशु को ग्रहण किया, और अंत में हमने उद्धार को प्राप्त किया। तो फिर हमें लगातार आत्मा में ऐसे ही गरीब रहना चाहिए। उसका मतलब है, हर दिन मैं परमेश्वर का वचन सुनना चाहता हूँ, हर दिन प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता हूँ। वो है आत्मा में गरीब होना। लेकिन कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, हमने फिर से इस संसार पर दृष्टि करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे कि जो पाप में, जो है ना, जो पाप में स्वभाव की जो चीजें रहती है अपने हृदय में, वो स्वभाव रखना, जैसे कि गुस्सा है, अगर आप गुस्सा करना चाहते हैं तो आप गुस्सा कर लेते हैं, अगर आप पाप करना चाहते हैं तो आप पाप कर लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा होती है आप वैसा करते हैं।
मैं गेम खेलना चाहता हूँ तो आप गेम खेलने लग जाते हैं। ये है शरीर के पीछे चलना। मगर हमें लगातार अपने आप को बचाए रखना है, पाप से दूर रखना है। और आंखों की अभिलाषा क्या है? हम कुछ ना कुछ गलत सुनना चाहते हैं, गलत देखना चाहते हैं, संसार से संसारिक चीजें हम देखना चाहते हैं। उन्हें दूर कर दिया था मगर फिर से अब उन्हें फिर से पाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं धूम्रपान छोड़ देना चाहता हूँ। आपने निर्णय लिया और आपने धूम्रपान करना छोड़ दिया, लेकिन थोड़े समय बाद सड़क पर जैसे ही आपको तंबाकू की गंध आती है, फिर क्या होता है? आपकी जो धूम्रपान करने की इच्छा है वो फिर से जाग जाती है। शराब के साथ भी ऐसा ही है। मैंने शराब छोड़ दिया था मगर जब आप टीवी देखते हैं वहां कोई फिल्म स्टार कुछ पी रहा है, फिर क्या होता है? क्योंकि हमने वो जो पाप करते हुए देख लिया है, इसलिए देखने से अब हमारे हृदय में उस पाप को करने की इच्छा जाग जाती है। इसलिए जो कुछ आप देखते हैं, देखने के द्वारा आपके हृदय में जो पापमय स्वभाव है वो उभर उठता है, वो फिर से भड़क उठता है। और हमारे कान भी, अगर आपके अंदर बैर है, मान लीजिए जिस बात से आप बैर रखते हैं, अगर कोई दूसरों को उसकी शिकायत करें तो फिर होता क्या है कि ये किसके बारे में कंप्लेंट कर रहा है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। और फिर उस पाप के बारे में सुनने के द्वारा मेरे हृदय में जो पाप है वो फिर से प्रोत्साहित होता है। सड़क में जब आप काम करते हैं, सड़क पे जब आप चल रहे होते हैं, अगर वहां पर कोई लड़ाई हो रही होती, एक दूसरों को जो है पंच पड़ रहे होते हैं, अगर आपके अंदर ये लड़ाई मतलब मारपीट करने का स्वभाव हो और सड़क पर चलते हुए अगर आप दूसरों को देखते हैं वो मारपीटाई करते हुए, तो देखने से आपके हृदय में भी वही पापमय स्वभाव फिर उत्तेजित हो जाता है। इसलिए हम जो मसीही है, हमें ना तो सुनना चाहिए ना देखना चाहिए उन चीजों को जो अंधकार से संबंध रखती है। आप हमारे हृदय में देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा हमारे और देखने और सुनने के द्वारा हमारे हृदय में आता है। और जो तीसरी चीज है जिसे हमें दूर रखना है, वो है जीविका का घमंड। जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मैं जानता हूँ या फिर जो कुछ मैं पहनता हूँ, मैं दूसरों के सामने उसकी बड़ाई करना चाहता हूँ। मेरा जो व्यवसाय है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं दूसरों के सामने उसकी बड़ाई करना चाहता हूँ, वो शरीर से संबंध रखता है। इन चीजों को हमेशा हमें दूर रखना है। ये तरीका है कि कैसे हम अपनी आत्मा को गरीब बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा में गरीब है, आप आशीषित, आप धन्य है, क्योंकि आप उद्धार पाएंगे। आपको याद होगा आदम और हवा, वो कैसे वो पाप कर बैठे। उन्होंने उस भले और बुरे के ज्ञान के फल को देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्हें वो खाने लायक लगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगा देखने से, है ना? अगर मैं खाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्वादिष्ट था और वो दिखने में सुंदर था, क्योंकि उसने उस फल को देखा और देखने के द्वारा उसको खाने की जो इच्छा थी वो हवा के हृदय में जागी। और अगर मैं इसको खाऊंगा तो परमेश्वर के समान मैं भी बुद्धिमान बन जाऊंगा। वो है इस संसार का घमंड, इस जीविका का घमंड, संसार का घमंड। इसीलिए हम पापों को दूर करने की इस प्रक्रिया में, इस राह पर है, मगर इन तीन चीजों के द्वारा हमें फिर से अपने आप को अंधकार के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा और संसार के प्रति इच्छाओं के द्वारा अगर परमेश्वर हमें दे तो हमें धन्यवाद देना और संतुष्ट रहना है। और अगर हमारे पास नहीं है, हम अपने आप को और उन्नत बनाएं और विकसित बनाएं, निपुण बनाएं और पिता परमेश्वर से प्राप्त करें मेहनत करके। जब हम परमेश्वर के वचनों में निवास करते हैं और हम परमेश्वर के वचनों का प्रेम के साथ पालन करते हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर निश्चित रूप से जो कुछ हमें जरूरत है वो सब कुछ हमें देते हैं। इसीलिए आत्मा में गरीब होने का मतलब है हमें अवश्य ही एक बच्चे के समान बनना चाहिए। ना बच्चे का मतलब क्या होता है? बच्चे का मतलब है केवल हाँ और आमीन, केवल हाँ और हाँ। और इसके द्वारा हम लगातार पिता परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करते हैं। और अगली बार मैं धन्य वचन का जो अगला चरण है उसके बारे में आपको बताऊंगा। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि हम पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने पहली यह आशीष आपसे प्राप्त की है। हम लगातार अपने उद्धार को पूरा करना चाहते हैं। हर दिन आत्मिक रूप से हम उन्नति करना चाहते हैं। हमें यह संसार नहीं देखना चाहिए, सदैव हमारे पिता परमेश्वर के सदृश हम बनना चाहते हैं। हम आत्मा में दीन होना चाहते हैं, गरीब होना चाहते हैं। हम हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह की उत्कंठा में हैं। हम पिता परमेश्वर की आशीषों की चाह में हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।